नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल एक महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने स्लो पॉइजन उन्हें देने का आरोप लगाया था। जिसके बाद आपको बता दें कि न्यायिक जांच के आदेश अब दिए गए हैं। न्यायिक जांच की मांग उठाई गई थी, न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन भी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक महीने में आयोग जांच रिपोर्ट सौंपेगा। एक महीने में जांच रिपोर्ट सौंपी जाए, ये आदेश दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया जा रहा था मुख्तार अंसारी को, न्यायिक जांच की मांग भी उठाई जा रही थी, न्यायिक जांच के लिए आयोग गठन की बात भी चल रही थी, लेकिन अब न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि एक महीने में जांच रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। अगर बात करें तो बांदा के जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो है वरिष्ठ पुलिस जिला कारागार बांदा को जो प्रेषित किया गया था पत्रांक और सारी चीजों का संज्ञान में लेते हुए न्यायिक जांच हेतु अधिकारी नामित करने की याचना की गई थी। उसी में उन्होंने जो है इस पर खासतौर पर एक महीने में जांच करके जो ये जो मौत हुई है और जो पहले आरोप लगाए गए थे उसमें पूरी तरीके से सारी चीजों को स्पष्ट तरीके से जो है उसको जो है इनको दिखाना पड़ेगा जो है जांच में कि क्या कारण रहे जो ऐसी चीजें हुई हैं, क्योंकि कोर्ट में ही मुख्तार अंसारी की तरफ से जो है प्रार्थना पत्र पहले ही दिया जा चुका था और आरोप लगाया जा चुका था कि उसकी हत्या की जा सकती है और उसको वजन दिया जा रहा है। तो सारे मामले की जांच होगी और जांच में जो चीजें निकल करके आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।